आज के वीडियो में हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, जैसे कि कभी भी अपन प्रिंटिंग वगैरह करते हैं, वाउचर प्रिंटिंग करते हैं, जैसे कि परचेज का वाउचर प्रिंटिंग करते हैं, सेल्स का वाउचर प्रिंटिंग करते हैं, या फिर जनरल या फिर पेरोल का कोई वाउचर प्रिंटिंग अपन करते हैं, तो उसके अंदर एक लोगो लगा हुआ मिलता है। तो वो लोगो हम लगाएं कैसे? उस लोगो को लगाने के लिए आज मैं आपको एक वीडियो बता रहा हूँ, आपको एक तरीका बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप वो वीडियो देखिएगा तो आप भी वो लोगो लगा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कंपनी क्रिएट की हुई होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता दूं, L-Type 3 में गए, L-Type 3 में या तो आप क्रिएट कंपनी कीजिए या फिर आप बैक आकर के किसी भी कंपनी में सेलेक्ट कंपनी चूज कर लीजिए। टेली के अंदर जो भी कंपनी है उसमें से सेलेक्ट कंपनी कर लीजिए। ये मैंने सेलेक्ट कंपनी करके, ये यहाँ से मैंने एक कंपनी थी सत्य साई लिमिटेड, इस कंपनी को मैंने ले लिया है। जैसे ही मैं लूँगा, मेरी कंपनी का जो पता लग जाएगा कि कंपनी कौन सी ओन है, तो जो कंपनी ब्लैक कलर के अंदर, डार्क कलर के अंदर रहेगी बोल्ड में, वही कंपनी ओन रहेगी। अब मैं आता हूँ लोगो के अंदर। तो लोगो लगाने के लिए F11 कीबोर्ड का F11 फंक्शन, आपको कंपनी फीचर वाला फंक्शन ऑन करना पड़ेगा। इसमें जो अकाउंटिंग फीचर है, ये जो अकाउंटिंग फीचर है, इसके अंदर आपको आना पड़ेगा। अकाउंटिंग फीचर में आए, अकाउंटिंग फीचर के लिए आप ये दबा सकते हैं। अकाउंटिंग फीचर में आए और आपको नीचे जाना है, एकदम बॉटम में जा कर के नीचे चलते रहिएगा। यहाँ ऑप्शन आ रहा है इनेबल कंपनी लोगो, इस ऑप्शन को आप चेक कीजिएगा। इस ऑप्शन में आपको दिखेगा कि आप कंपनी में लोगो लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। ये जो ऑप्शन है इसको मैं नो यस कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इस ऑप्शन को यस करूँगा तो मेरे पास एक नया विंडो ओपन होगा, और वो विंडो है इस तरीके से, कंपनी लोगो के नाम से। इस कंपनी लोगो में दो तीन जो चीज़ें हैं वो अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला तो जो लोगो है वो आपका BMP या JPEG फाइल में होना चाहिए। उसके जो पिक्सल है वो 96x80 होने चाहिए, यानी 96x80 होने चाहिए। और ये वाउचर में और कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट में ही ये प्रिंट होगा, इसके अलावा कहीं भी प्रिंट नहीं होगा। अब हम ध्यान देते हैं कि लोकेशन लोकेशन क्या है लोगों की। सबसे पहले तो मैं लोगों के अंदर आता हूँ। लोगो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास चार पांच ये पिक है, मैंने यहाँ से एक लोगो लिया है, ये मैंने लोगो लिया, इस लोगो को मैं साइड में मैंने कर लिया। यहाँ से मैं इस लोगो को एक्स कंट्रोल एक्स करके कट करके मैं इसको लेके जाऊँगा मेरे कंप्यूटर में, कंप्यूटर की लोकल डिस्क सी में, फिर प्रोग्राम फाइल में, फिर मैं लेके जाऊंगा इसको टेली के अंदर। टेली की लास्ट वाली फाइल के अंदर ले जाके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। ये हमारा लोगो यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब बात आती है कि इस लोगो का अपन पथ कैसे लें, क्योंकि अपने को यहाँ पे लगाना पड़ेगा पथ, तो लोकेशन लगानी पड़ेगी। लोकेशन लगाने के लिए अपने को या तो लोकेशन जाके, या तो आप प्रॉपर्टी में जाके इसकी लोकेशन चेक करो, या फिर इससे बढ़िया उपाय है आप यहाँ जाओ, एल्ट और डी दबाओ। एल्ट डी जैसे ही दबाओगे तो आपको एक ऑप्शन रेड ब्लू लाइन में दिखेगा, आपको ये ऑप्शन दिखेगा ब्लू लाइन के अंदर। इस ऑप्शन को आपको कंट्रोल सी के माध्यम से कॉपी कर लेना है। यह आपका लोगो का पथ कॉपी हुआ है, यहाँ से लोगो की सारी डिटेल कॉपी नहीं हुई है। अब अपन यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एल्ट और वी के माध्यम से इसे पेस्ट कर देंगे, यानी कंट्रोल एल्ट और वी अपने को प्रेस करना है। ये लोगो प्रेस हुआ, ओब्लिक दिया, ओब्लिक देके लोगो का नाम दिया, logo.jpg अपन ने टाइप कर दिया। ये अपना लोगो यहाँ से इनेबल हो चुका है। अब अपन चलते हैं एक वाउचर के अंदर। तो सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में मैं गया, यहाँ से सपोज दैट मैंने एक TDS का वाउचर ऑन कर रखा है, तो TDS वाउचर में अपन चलते हैं, DOG में TDS रिपोर्ट में गए। मेरा फॉर्म 27Q लिया मैंने, 26Q। अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ मैं गया जनरल के अंदर, मैं गया जनरल के अंदर DD प्रेस करके मैं जनरल में गया, ये मेरी एक रिपोर्ट थी, एल्ट पी किया, इंटर दिया। अब आप देख सकते हैं ये आपका लोगो आपकी इस वाउचर पे लगा हुआ मिल सकता है। तो यहाँ से आप लोगों को लगा सकते हैं, लोगों कैसा भी सेट कर सकते हैं, लेकिन लोगों जो आपको मिलेगा वो स्पेसिफिक रिपोर्ट
या फिर आपको वाउचर के अंदर ही मिलेगा। थैंक यू।